बढ़ते हैं मोशन में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है यूनिफॉर्म मोशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस टाइप का जो मोशन होता है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी हमारा बॉडी है, कोई कार है, वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो उसने क्या करा, 30 किलोमीटर फर्स्ट 1 आवर में कवर किया, फिर अगेन 30 किलोमीटर उसने नेक्स्ट आवर में कंप्लीट किया, अगेन 30 नेक्स्ट 1 आवर में। तो जो है ये इक्वल डिस्टेंस है हमारा, इक्वल टाइम में कवर कर रहे हैं, तो इस तरह का जो मोशन होता है वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल टाइम में, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। सपोज कोई भी कार है, मूव कर रही है, तो फर्स्ट जो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो उसने 30 मिनट में कवर किया, अगेन उसने 30 किलोमीटर कवर किया 45 मिनट्स में। तो इस तरह कोई रेगुलरिटी नहीं है, वो कितना भी अनइक्वल डिस्टेंस है वो अनइक्वल टाइम में कवर कर रही है। तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, जो भी हम लोग रोड पे चलते हैं, तो हमारी जो मोशन है हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि कहीं पे ट्रैफिक की वजह से, कहीं पे किसी और अदर रीजन की वजह से हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं चल सकते। तो नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा स्पीड। स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन। थोड़ा सा नोट करना है यहाँ पे, इन एनी डायरेक्शन मतलब स्पीड की हमारी कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो स्पीड को हम क्या कहेंगे, स्पीड जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन ए गिवन टाइम, उसको हम स्पीड कहेंगे। बस स्पीड में क्या होगा, डायरेक्शंस नहीं होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में होगी। तो हम स्पीड को कैसे लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, तो हमने यहाँ पे स्पीड को बी से रिप्रेजेंट किया, डिस्टेंस को हमने एस से और टाइम को हमने टी से। ये हमारा स्पीड का डेरिवेशन हो गया। स्पीड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पीड की यूनिट आती है हमारे पास मीटर पर सेकेंड। जस्ट बिकॉज डिस्टेंस को हम मीटर में लेते हैं और टाइम को हमने सेकेंड्स में बदला, तो हमारी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब नेक्स्ट है जो हमारी स्पीड है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि स्पीड है ये हमें डायरेक्शन नहीं बताती है, ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ये सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड शो करती है, इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट कैन बी मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर। जो स्पीड है किसी भी इंस्टेंट में हम स्पीडोमीटर से मेजर करते हैं, और जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रैवल है, उसको हम ऑडोमीटर से मेजर कर सकते हैं। ये मेजर करने के हमने अपने जो व्हीकल्स होते हैं उनमें हमने देखा भी होगा, स्पीडोमीटर और ऑडोमीटर होता है, उनमें हम जब स्पीड मेजर करते हैं। अच्छा, स्पीड कितने टाइप की होती है, स्पीड हमारी होती है यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहते हैं, जैसे कि हमने यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से जो स्पीड होती है उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। हम यहाँ ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने वो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बनाया है, 1 सेकेंड में 10 किलोमीटर, अगेन 2 सेकेंड में 20 किलोमीटर, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो हमारी स्पीड होती है उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और जो यूनिफॉर्म स्पीड का जो हमारा ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। नेक्स्ट आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ऐसे हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह की जो स्पीड होगी, इससे जो स्पीड बनेगी वो हमारी होगी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हम सेम यूनिफॉर्म की तरह इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड्स में, पर यहाँ पे क्या है कि जो 1 सेकंड है वहाँ पे स्पीड है ये अप्रोक्स 8 किलोमीटर तक, सॉरी डिस्टेंस 8 किलोमीटर तक ट्रैवल किया है। और जो आगे भी हम सिमिलरली ऐसे देखते जाएंगे कि कहीं पे भी यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं ना कहीं वैसे चेंजेस आ रहे हैं। और जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ होगा वो हमारा कर्व लाइन में होगा, हमेशा यूनिफॉर्म का स्ट्रेट होगा और नॉन यूनिफॉर्म का हमारा कर्व लाइन होगा। नेक्स्ट आती है हमारी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होती है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, तो वो हमारी होती है एवरेज स्पीड। मतलब इसमें कोई इंटरवल नहीं है कि इतने इंटरवल से इतने इंटरवल तक है, बस क्लियरली टोटल डिस्टेंस ट्रैवल विद टोटल टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड को हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, स्पीड अपॉन टाइम हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड अगर आगे आ जाएगी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो ये होती है
स्टूडेंट्स हम एवरेज स्पीड का एक एग्जांपल देखते हैं। एक कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई भी कार है ये 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और जो ये नेक्स्ट 30 डिस्टेंस सेम कवर कर रही है पर स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अब हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम होता है। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो अब हमारे पास डिस्टेंस है, स्पीड है, बट हमारे पास टाइम नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टाइम फाइंड करना है। तो हम इस पर टाइम फाइंड करते हैं। हमारी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। हम ऐसे टाइम फाइंड करेंगे तो टी इधर चला जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम पहले इसके लिए लेते हैं तो क्या होगा, डिस्टेंस हमारा है 30 किलोमीटर और स्पीड है हमारी 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से टाइम आ जाएगा हमारा 3/4 आवर। अच्छा, उसके नेक्स्ट के लिए देखते हैं। नेक्स्ट डिस्टेंस के लिए हम टाइम निकालते हैं तो डिस्टेंस अपॉन में टी टू। तो डिस्टेंस हमारा है इसमें है 30 किलोमीटर, डिस्टेंस हमारा सेम है और हमारी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा टाइम क्या आ जाएगा यहाँ से, 3/2 आवर। हमारे पास T1 आ गया है, T2 आ गया है, हमने अपनी एवरेज स्पीड निकाली थी। हमको पहले टोटल टाइम चेंज किया, हमको टोटल डिस्टेंस हमें D1 है 30 + 30 हमारा 60 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम के लिए हम T1 + T2 करेंगे 3/4 प्लस में 3/2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 9/4। तो टाइम आ गया हमारा 9/4 आवर। अब हम इसको अपने एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है, 30 + 30 = 60 और टाइम हमारा आ गया 9/4। इसको यहाँ पुट करेंगे तो इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा 4/9